और फिर चेंज हो गया है। हाय गाइस, इस ब्लॉग में यूपी हमने मालिक पर आई है, हमारा शूट चल रहा है, ऐसे बोलना था ना, ऐसे ही बोलो। यहाँ पे होने लगा है हमारा आउटडोर शूट। बहुत अच्छा शूट था, बहुत कंफ्यूज नहीं है। वापस 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 ये जुनैद अकरम को बीट करने वाली है गाइस, इनको हम अच्छा काम देंगे। और जुनैद अकरम वहाँ की टक्कर में बंदी आ रही है, वो 20 मिलियन रीच रखती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर ऑफिस होंगे। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश है कि चीज़ों को मैनेज किया जाए और आप लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहा जाए। तो आज का ये सीन है कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम जा रहे हैं गालिब रेस्टोरेंट। सही है, गालिब में जो है वो एक नई चीज़ लॉन्च की जा रही है, तो उसके लिए फूड ब्लॉगर्स को बुलाया गया है, तो आपके भाई को भी बुलाया गया है। You serious? तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाकर हम लोग साथ ही एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही इनकी फूड टेस्टिंग भी करेंगे। मैं पहले भी दो दफ़ा जा चुका हूँ यहाँ पे, जो उन दो दफ़ा के एक्सपीरियंस थे वो मैं आपको वीडियो के एंड में शेयर करूँगा कि क्या हुआ था, कैसा था, क्या नहीं था। तो अभी चलते हैं हम लोग और वहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा कि क्या क्या होने लगा है। बहुत मज़ा आएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे कि जब जब मैं वीडियो डालता हूँ। वैसे तो मैं डालता ही बहुत टाइम बात हूँ, लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आप लोग मुझे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मैं हो सकता है कि डेली बेसिस पर भी वीडियो डालने लग जाऊँ। तो चले चलते हैं। मैं इतना कोई लेट लतीफ़ हूँ कि मुझे 1:30 बजे बुलाया था और अभी 2:30 बज गए हैं और वो कंटिन्यूसली मुझे कॉल किए जा रहे हैं, आप कहाँ पे रह गए हैं, कहाँ पे रह गए। तो अभी ऊपर चलते हैं, पहुँच चुका हूँ मैं वैसे तो, अभी ऊपर चलते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो हम लोग अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बाकी ब्लॉगर्स भी आ चुके हैं। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, 1:30 बजे का टाइम दिया था, मैं 2:30 बजे आया हूँ, लेकिन एजेंसी मुझसे भी ज़्यादा लेट है। अभी फ़िलहाल कुछ सेटअप लग रहा है अभी, फिर उसके बाद यहाँ पे शूट होगा। बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूँ कि क्या सीन है। गालिब जो है पहले 5 बजे खुलता था और सिर्फ यहाँ पे डिनर था, लेकिन अब जो है गालिब रेस्टोरेंट वालों ने लंच भी लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसी की प्रमोशन के लिए हमें बुलाया है। तो अभी ये वाली जो साइट है वो तो अभी रेडी नहीं हुई भी, लेकिन ये वाली पूरी साइट वाली साइड रेडी कर दी है और अंदर शूट होना है तो अंदर वाली साइड भी रेडी कर दी है। मैं आपको इनकी थीम बताता हूँ, ये पूरी ट्रेडिशनल देसी थीम है। यहाँ पे WKS भी खड़ी हुई है और ये कुछ इस टाइप का ये है, ये आउटसाइड है। यहाँ पे है एक एरिया, एक एरिया ये है जो कि अभी सेट नहीं हुआ, और एक एरिया जो है वो उस साइड पर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी थीम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई है, काफ़ी खूबसूरत थीम बनाई गई। ये है एक और एरिया और एक है बिल्कुल अंदर की साइड पर जहाँ पे हमारा शूट होना है, तो वहाँ पर भी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ कि क्या चक्कर है। और यहाँ पर अगर आप बैठकर डिनर किया जाए, क्योंकि लंच तो नहीं हो सकता, गर्मी बहुत होती है, तो यहाँ से ये शारे फैसल नज़र आएगा। नहीं नहीं, ये WKS नहीं खड़ी हुई, ये खड़ी हुई है W11। WKS मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं कॉलेज से W21 में आता था, या F11 में आता था, अब तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, याद भी नहीं मुझे। ये रहा इनका किचन और आप किचन के विंडोज़ चेक करें, मिर्ज़ा गालिब के शेर लिखे हुए, जिनसे बहुत ही मुश्किलों से जान छुटी है, बहुत मुश्किलों से जान छुटी है। और ये रहा मैं, एम्बियंस की बात की जाए तो 10 out of 10। और अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इंडोर एरिया, जहाँ पे जो है अभी शूट की तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आपको अंदर से जाकर दिखाता हूँ ये कैसा है, बहुत अच्छी थीम है इसकी।
इंडोर शूट जो है वो हमारा हो चुका है, अब होना है आउटडोर शूट और उसके लिए हमें चेंज करना है आउटफिट। आउटफिट चेंज करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी ये देखिए आउटफिट चेंज हो चुका है आउटडोर शूट के लिए, ये वाला आउटफिट मेरा, ठीक है। अच्छा जी मैं कुछ थोड़ी सी आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूँ कि गालिब रेस्टोरेंट जो था वो पहले 5 बजे खुलता था, अब वो ओपन होगा 12 बजे, 12 बजे से ऑनवर्ड्स करेगा, ठीक है। और कुछ एडिशनल मेन्यू है इनका जिसमें लोगों ने चाइनीज़ वगैरह ऐड किया है, मैंने पीछे कुछ क्लिप्स लगाए हैं, आगे भी जितने BTS बन सकेंगे वो बना कर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, तो स्टे ट्यून। यहाँ पे होने लगा है हमारा आउटडोर शूट और ये जो है वो हम लोग पिक्चर ले रहे हैं, पिक्चर नहीं ले रहे हैं, हम लोग व्लॉग बना रहे हैं। हाँ। जो हमारा है वहाँ पे पीछे शूट चल रहा है, व्लॉग बन भी रहा है। हाय गाइस, मैं ले लेती हूं पिक्चर, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हाय गाइस, इस व्लॉग में हमने गालिब पर आए हैं और शूट चल रहा है, ऐसे बोलना था ना, ऐसे बोलना। हाय गाइस, हाय गाइस। और अभी मुझे यहाँ पर आके पता चला कि फातिमा ने मुझे बताया कि लोग मुझे इस तरीके के सिग्नेचर से यहाँ पर जानते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, मैं यूं करती हूं। कुछ जोक्स करिए, मतलब हंसे कुछ बोले, लेकिन खाना खाते हुए तो सुकून दे रहे खाने की, इसी के साथ हमारा जो शूट है वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे एक जो है वो हमारी ब्यूटी क्वीन बैठी हुई है। कैसा रहा आपका शूट? बहुत अच्छा था, बहुत लगी मुझे, मैंने बहुत कुछ खाया है और सही से सर्विंग नहीं करी उन्होंने, बट मैंने फिर भी एडजस्टमेंट कर ली थी यहाँ सब। आपका कैसा रहा है शूट? एक्सक्यूज मी, ये बहुत अच्छा शूट था, बहुत कंफ्यूज नहीं है, वापस वापस वापस। और आपका कैसा रहा 20 मिलियन? और बहुत थक भी गया हूँ क्योंकि 2:30 बजे का मैं वहाँ गया हुआ था, 3 बजे शूट स्टार्ट हुआ, 5:15 बजे कंटिन्यूसली 2.5 घंटे जो है वो शूट चलता रहा। उसके बाद मैं क्लास लेने गया डायरेक्ट वहीं से और फिर अब घर आया हूँ, 7:30 बज रहे हैं, तो अब जो है वो मैं बहुत थक चुका हूँ। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये बताया था कि मैं 2 दफ़ा गालिब गया था, तो जब मैं फर्स्ट टाइम गालिब गया था ना तो टेस्ट बहुत कमाल था, लेकिन सेकंड टाइम अभी मैं लास्ट मंथ नहीं जुलाई में गया था तो टेस्ट उनका बिल्कुल फजूल था। हम लोग शायद जल्दी चले गए थे, अभी वो 5 बजे ही ओपन हुआ था, लेकिन अब जो है वो 12 बजे खुला करेगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया। पहले सिर्फ डिनर था, अब लंच भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन आज जितना भी हमने फूड ट्राई किया उसका टेस्ट नो डाउट बहुत कमाल था। तो जो आज हमने शूट किया है वो आप लोगों को मिल जाएगा गालिब के पेज पर। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।